जी मिंटू और सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल बोर्ड्स। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। सब लोगों को लगता होगा कि मैडम तो बोर्ड दिखा रही थी, बोर्ड पर नहीं है। देखो भाई, बोर्ड पर मैं कल से श्योर आऊँगी, बिकॉज कुछ लाइटिंग का इशू था। मतलब कि जितनी रिक्वायर्ड लाइट चाहिए थी बोर्ड के लिए वैसी नहीं थी, तो अगर उतनी लाइट में तुम लोग मुझे देखते तो डर जाते। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी तुम लोग डरो आज, इसलिए मैंने अभी आज के लिए यहाँ पर रख रखा है। कल से हम लोग बोर्ड पर स्विच हो जाएंगे। ठीक है, एनीवे तुम लोगों को अगर क्लियर सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, सब ठीक है तो मुझे एक बार ही बता दो और हम अपनी क्लास को शुरू करें फिर। इज एवरीथिंग ओके? शैल बी स्टार्टेड? हाँ, कल से फॉर श्योर बोर्ड है, कल से पक्के से बोर्ड रहेगा। बस आज के लिए इतना है कि आज बोर्ड नहीं है, बाकी कल से श्योर है। ओके चलो, शेयर कर दो जरा सभी लोग। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल कब तक? कल लग जाएगा, कल सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी देयर इज दिस हेल लॉट ऑफ कोल्ड प्रॉब्लम विद मी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैम दवाई ले लीजिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे लेनी पड़ेगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लास्ट सेशन में किसने किसने आंसर किया था। सो आई कैन सी हियर पारस, अभिषेक, मधुरिमा, सुमित, संचयन, अनुप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, एंड देन राकेश। सो दीज पीपल हैव आंसर्ड इन लास्ट सेशन, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। कीप ऑन आंसरिंग एवरी वन, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको जैसा बताती हूँ, आपका कनेक्शन नहीं बनता है सेशन से। तो जरूरी है कि एक बार ही आप सभी लोग आंसर किया करो, जिससे आप लोग कनेक्टेड फील करोगे सेशन के साथ में। ठीक है, खैर चलो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू पीपल, इट्स ऑलरेडी मे खत्म हो चुका है आप लोगों का, है ना। अब तो मे है भी नहीं, बस एक दिन बचा हुआ है और फिर आपका जून स्टार्ट हो जाएगा। देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइम पीरियड होता है आपके सारे एग्जामिनेशंस का। सो इफ यू वांट टू परफॉर्म वेल, इफ यू वांट टू डू वेल, एंड इफ यू कैन अफोर्ड, इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू पीपल, यू कैन परचेज द कोर्स ऑफ फिट बैच। ठीक है, ये आपका RRB PU स्पेसिफिक है। सिमिलरली आपका एक और ऐसा बैच है जो कि आपका SBI PU स्पेसिफिक है। जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकता है, वो इन सभी में एनरोल कर सकता है। ठीक है, ये जून 10 तक आपका RRB का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट टू पीपल, गो विद दीज बैचेस, दीज आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। जो भी लोग सेशन कर रहे होंगे उनसे आप पूछ सकते हो कि, और जैसे कि बहुत सारे आप लोगों का देश पोर्टल के बारे में पूछा था या स्टार्स के बारे में पूछा था, ये सब पढ़ाया गया था बजट वगैरह में। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर एक बार ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो। बिसाइड ये आपका बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर, ये भी चल रहा है। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो आपका ये बैच सिडबी के लिए आज से स्टार्ट हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा, वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग एनी कोर्स, यूज दिस कूपन कोड SUSHMITA फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, जहाँ नॉर्मल डिस्काउंट है वहाँ पे आप लोगों को एडिशनल 5% मिलेगा, या जो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको इस कोड से मिलता है। सो रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA। ओके, बिसाइड आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम everyone. When everyone was asking which code to use and they were telling me, ma'am, I have used your, so it is really very good कि आप लोग बता रहे हो ऐसा। ठीक है, thanks and keep on using it because it shows the kind of support we need. Okay? हाँ, special SBI PU means batch ही है ये आपका fit batch जो दिख रहा है ना, ये SBI PU के लिए ही है specific. In fact अब इसकी दो classes हो गई हैं, हिंदी अलग चल रही है आपकी और इंग्लिश अलग चल रही है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, हिंदी की टाइमिंग आपकी क्या है, हिंदी की टाइमिंग है आपकी 2 PM और इंग्लिश की टाइमिंग है आपकी 12 PM, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हो। नाउ शैल वी स्टार्ट द सेशन? हाँ, ऑब्वियसली दैट इज कम्प्लीटली अप टू अस, यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ, अब मुझे कोई बोलेगा कि मैंने आपका कोड लगाया तो मैं उसे बोलूंगी ना थैंक यू फॉर यूजिंग इट। तो अब देर आर सेवरल फैकल्टीज और सभी का अपने अपने हिसाब से कोड यूज हो रहा है। ओके, एनी वे टेलीग्राम ग्रुप में मैं नहीं ऐड करूंगी, तुम खुद हो जाओगे, इस ग्रुप को जाके सर्च करो, ऐड हो जाओ। ठीक है, एनी वे सो टूडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर।
डोंट अंडर एस्टिमेट थिंकिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव, यू विल कीप ऑन लर्निंग. ओके, ऐसे मत सोचो. याद रखो, टुडे इफ यू आर अ रीडर एंड इफ यू कीप रीडिंग, यू गोइंग टू लीड एवरीथिंग नेक्स्ट टाइम. ओके, यू विल बी अ लीडर सून, सो डोंट लूज होप, डोंट थिंक यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, जस्ट हैव फेथ. बिकॉज रिमेंबर, दो यू आर अ रीडर टूडे, टुमारो यू विल बी अ लीडर. ओके, एनी वे, चलो अब क्लास को हम अपनी शुरू करते हैं. और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा भयानक हो रखी है. एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बस, अगर तुम लोग मुझे एक सेकेंड दे सको. सो येस्टरडे वी वर ऑन अ ट्रिप टू त्रिवेंद्रम, एंड इन दैट ट्रिप ओनली इट ऑल हैपेंड, बिकॉज बहुत ठंड थी उधर और मुझे कुछ ज्यादा ही लग गई ठंड, मुझे ऐसा लगता है. तो देख लो, रशिया कंडक्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. देखो भाई, रशिया अपना दबदबा बराबर बनाए पड़ा है, ठीक है. इसके पहले भी सैटर्न मिसाइल करके इन्होंने कहा था, अभी फिलहाल में हैंकी, ये सारे एक्चुअली आस्क फॉर हैंकी. ओके, थैंक यू, एंड हियर आई गॉट इट. तो स्टार्टिंग द सेशन, या Russia, you can see here that Russia had conducted test launch of Zircon hypersonic cruise missile. See, what happened? Russia, we all know that Russia and Russia and Ukraine war, and amidst of this war, you can all see that continuously, जो USA है ये किसका help कर रहा है? Ukraine का help कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा help कर रहा है continuous. कि इन्हें मतलब जो कहा जाए ना कि लादना किसी चीज़ से, तो वैसा है इनके साथ में कि कॉन्टीन्यूस इन्हें सप्लाई किए बड़े इन जनरल आपके जो भी वेपन्स वगैरह वो काफ़ी सारे इनकी सप्लाई की जा रही है, लगातार कॉन्टीन्यूस कर रहे हैं, ठीक है. इसमें रशिया भी अपना दबदबा बनाए हुआ है, ऐसा नहीं है दैट रशिया इज़ नॉट, यू कैन से रशिया ऐसा नहीं है कि केपेबल नहीं है, कुछ भी है. बट हाँ, रशिया के पास में ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन जब सामने वाले को कोई इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, रशिया नीड्स टू बी वेल अवेयर. एनीवे, रशिया इन जनरल भी ये सब करता रहता है, और हम सभी को पता है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो रशिया इज एट सेकेंड नंबर इन एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स. एनीवे, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, लेट अस नाउ स्विच टू द पॉइंट. रशिया ने अभी क्या किया, इन्होंने टेस्ट लॉन्च किया है जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. देखो, एक तो हाइपरसोनिक, इसके साथ में और भी, जैसे आप लोग देख रहे हो हाइपरसोनिक, इसके साथ में आप लोग का सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और हाई हाइपरसोनिक, ऐसे आपके अलग अलग मिसाइल्स होते हैं, ठीक है. तो अगर मैं आपसे कहती हूँ इनको कैसे आप याद रखोगे, सबसे पहले याद रखे रहना, एक होता है सबसोनिक, ठीक है. फिर आपको क्या याद रखना होगा, एक होता है आपका ट्रांसोनिक, ओके. फिर एक होता है आपका सुपरसोनिक, ओके. देन हाइपरसोनिक, और एक होता है आप लोगों का हाई हाइपरसोनिक. ये ऐसे डिफाइंड होते हैं, याद रखे रहना. अगर आप लोग बोलते हो कि मिसाइल को उनकी स्पीड के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो. ओके, अब अगर हम इनकी स्पीड की बात करते हैं तो मैक नंबर, ठीक है, मैक नंबर से करें, ये आप कह सकते हो ग्रेटर देन 0.8, ठीक है. फिर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये 0.8 से 1.2 के बीच में वैरी करता है. ट्रांसोनिक, ये आपका 1.2 से 5 के बीच में वैरी करता है, ये आपका 5 टू 10 के बीच में वैरी करता है, और यही ये आपका हाई हाइपरसोनिक 10 टू 25, ठीक है. तो ये हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक हम लोग इन जनरल सुनते रहते हैं, लेकिन हाई हाइपरसोनिक ये बहुत बड़ी बात होती है. मीटर पर सेकेंड में अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2025 क्या कहोगे आप लोग, 3430 से अप्रोक्स 8000 समथिंग मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होता है, ठीक है. तो ये सुपरसोनिक तो अपन लोग अक्सर सुनते रहते हैं, हाइपरसोनिक थोड़ा कम सुनते हैं, ओके. फिलहाल में रशिया ने कहा है कि एक जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग किए हैं, ओके. तो रशियन फ्रिगेट एडमायरल गोरशोव सक्सेसफुली टेस्ट फायर, ठीक है, कहाँ से हुआ है देख सकते हो आप लोग, एडमायरल गोरशोव, यहाँ से टेस्ट फायरिंग की गई है जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की. किस सी से की गई है, बेरेंट सी. ये जो मिसाइल है इसने एक नेवल टारगेट को हिट किया है जो कि 1000 किलोमीटर अवे था वाइट सी के अंदर. जर्कोन मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की जा चुकी है कई बारी इस एडमायरल गोरशोव फ्रिगेट से और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से, ठीक है. तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इसके पहले भी कई बार जो है इससे और स्पेसिफिकली टेस्टिंग की जा चुकी है. आपको याद रखना होगा
कि कौन कौन सी टाइप की मिसाइल्स होती हैं। इसके साथ में ये जो मिसाइल आप लोग देख रहे हो फिलहाल में रशिया ने क्या किया है, बिकॉज यार अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आपके बन सकते हैं। क्या अगर हम लोग बात कर लेते हैं रशिया की, तो देखो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, हम सभी को पता है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रबल, और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुतिन, इनको ज़रूर याद रखे रहना, ये बहुत हल्के मिले लिए जाते हैं। एनीवे थोड़ी और अगर हम लोग बातें कर लें कि आपके और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिसाइल्स अभी हाल फिलहाल में हुए थे, तो एक तो आप लोग याद रखे रहिएगा कि अभी हम लोगों ने अपने देश में जो है नेवल वेरिएंट ब्रह्मोस का किया था टेस्ट, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नेवल वेरिएंट हमने टेस्ट किया था, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, नॉट सुपरसोनिक, दैट वुड बी रॉन्ग, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी। और याद रखे रहो ये जो ब्रह्मोस हम लोग बात करते हैं ना, ये इंडिया और रशिया का ही जॉइंट वेंचर होता है, किसका इंडिया और रशिया का ही जॉइंट वेंचर होता है। तो अभी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी जो कि इसका नेवल वेरिएंट था, इसको पहले आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुछ दिन पहले रशिया ने सैटर्न मिसाइल की टेस्टिंग करी थी, ओके। चाइना बता रहा है कि वो एक ऐसी तरीके की मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है जो कि अपने टारगेट को फॉलो करेगा, कह सकते हो आप लोग एक मूविंग कार को फॉलो करेगा, ये बहुत खतरनाक बात हो जाएगी अगर ऐसा कर देता है तो, मतलब जो कहा जाए दौड़ा के बिल्कुल मारते रहना, वो काम कर देगा रशिया, सॉरी चाइना, तो मनाओ ऐसा ये ना करे वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लोगों को, ओके। एनीवे सो रिमेंबर दीज मच, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेंबर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ब्रह्मोस का टेस्ट पाकिस्तान में भी कर लिया, हाँ कर लिया जा चुका है। चलो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप सभी को याद रखने होंगे। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ब्रह्मोस के चेयरमैन का नाम क्या है, हु इज द चेयरपर्सन फ्रॉम ब्रह्मोस, एनीवन हु कैन आंसर। चलो अब हम लोग जरा अपनी अगली खबर पे चलते हैं, ठीक है। देखो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स May 29, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, ये यूएन पीस कीपर्स होते क्या है इनके बारे में अपन लोग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया गया है, और यूएन पीस कीपर्स होते क्या है, त्रिपाठी रेड्डी, मैं नहीं बताऊंगी, सतीश रेड्डी DRDO के होते हैं, मैंने ब्रह्मोस की बात करी है, अतुल दिनकर रानी कौन है बताओ। देखो भैया जरा, ये जो डे है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, इसको मनाया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग श्रद्धांजलि दे सके उन सभी को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्म और सिविलियन पर्सनल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के काम के प्रति, ठीक है। यहाँ पे लगभग 4200 पीस कीपर्स हैं जिन्होंने अपनी जान दी है यूएन फ्लैग के अंडर वर्क करते हुए सिंस 1948। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि ये यूएन पीस कीपिंग का शुरुआत क्यों किया गया था, जो पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन रखा गया था इसको किया गया था यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि UNTSO था, और ये कब शुरू हुआ था, इसने ऑपरेशन 29 May 1948 पैलेस्टीन से शुरू किया था, बेसिकली इसको मिडिल ईस्ट टर्न के लिए लाया गया था। फर्दर इसका यूजेस अभी आप लोग देखोगे तो जगह जगह पर, जैसे सीरिया वगैरह हो गए, कई जगह ऐसे जहां पर सूडान आप लोग देखते होगे, तो यहां पर इनको डिप्लॉय किया जाता है। कभी भी देखा जाता है कि पीस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके पीस लाने के लिए यूएन पीस कीपर्स को डिप्लॉय किया जाता है। हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से देश के ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि यूएन अपनी एक अलग फौज बना रही है, इन जनरल अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो कोई ट्रूप हो गया, ठीक है, जैसे हमारे वहाँ से मिलिट्री वगैरह ट्रूप्स हो गए, या आप लोग कहो जैसे कि अपने वहाँ से पुलिस हो गए, ये सब भी लोग यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं। इनमें से कुछ लोगों को डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग जगह पर, बेसिक इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को ख़त्म करके पीस इस्टेब्लिश किया जा सके, इसी से इसको पीस कीपर नाम दिया गया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि फिलहाल में जो वुमेन्स हैं इनका क्या रोल है पीस कीपिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहना, क्योंकि आजकल वुमेन्स को लेकर के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई जगह, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग कि वुमेन का अभी क्या रोल है इसके अंदर, याद रखे रहो, सबसे पहले इंडियन वुमेन की पीस कीपिंग फोर्स में ठीक ठाक रोल है, ओके। देखो मैं अगर आपसे एक ऐसे वर्ड में डिफाइन करूं, इंडियन वुमेन इन पीस कीपिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोग याद रखे रहिएगा कि हम लोग के वहां से एक बारी एक ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इसको डिप्लॉय किया गया था सबसे पहली बार लिबिया के अंदर, कब, 2007 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की इसमें क्या पार्टिसिपेशन है, सबसे पहली बार एक पूरी तरह से फीमेल की फॉर्म्ड पुलिस यूनिट को लिबिया में 2007 में डिप्लॉय किया गया था, इंपॉर्टेंट याद रखे रहिएगा, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे इनके मल्टी रोल्स भी सामने आते हैं, ठीक है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्हें भी एक्सपोजर मिलेगा,
ठीक है, फिर इनका भी रोल बढ़ेगा पीस कीपर्स के अंदर। एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि टोटल जो मतलब अगर मैं आपसे कहती हूँ 2020-30 मार्च की मैंने जैसी रिपोर्ट पढ़ी थी अभी भी वही आपको शो करेगा अगर आप लोग इनकी साइट पर जाओगे तो। ओवरऑल ना 95,000 पीस कीपर्स में, ओवरऑल 95,000 पीस कीपर्स हैं इसमें, और इसमें जो सबसे ज़्यादा वुमेन की मतलब वुमेन का ओवरऑल पार्टिसिपेशन रहेगा ये 4.8% का रहता है। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर आपसे कहूँ 4.8% किस ट्रूप का, 4.8% आपके मिलिट्री ट्रूप का होता है। ठीक है, फिर क्या याद रखे रहोगे, 10.9% आपका फॉर्म्ड पुलिस का होता है और 34% आपके जस्टिस वाले होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2028 का एक टारगेट है वुमेन सर्व जो कर रही है मिलिट्री कंटिजेंट के अंदर, इनको 15% जो मिलिट्री कंटिजेंट के अंदर सर्व कर रही है इनको 15% तक किया जाएगा और जो बाकी आप लोग मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनको बढ़ा करके 25% कर दिया जाएगा। ये मैं जब भी आपको दूंगी ना उस पर पूरा लगा कर दूंगी तो तुम लोग घबराना नहीं। ठीक है, मैं इसे टाइप करके आपको बता दूंगी। ठीक है, एक इतनी बातें हमने करी तो बच्चों एक और बात बस याद रखे रहो कि जो आपका UNSC होता है, ठीक है, UNSC इसका एक रेजोल्यूशन होता है, 1325, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। UNSC रेजोल्यूशन 1325 इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा एक्सपोजर देता है वुमेन को। तो अगर आपसे पूछा जाता है किस पर्टिकुलर किस रेजोल्यूशन के अंदर होता है, किसके रेजोल्यूशन के अंदर होता है, तो ये UNSC के रेजोल्यूशन 1325 के अंदर होता है कि ज़्यादा एक्सपोजर दिया जा सके वुमेन्स को। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मोर exposure to women, these are all very 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 important। ठीक है, चलो, so these were some important things for all of us to remember। women की role की हमने बात कर ली, अभी हम फिलहाल में जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पीस कीपर्स कितने हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें 29th of May को ये डे सेलिब्रेट किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। इसके साथ में आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि इस बार का जो आपका थीम था, हाँ भी इस बार का आपका थीम क्या था, इस बार का थीम था आपका पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। बस इतना हमने पढ़ा, तो एक दो और बातों को याद रखा जाए हम लोग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कीपर्स किस कंट्री से होते हैं। अगर हम लोग बात करें किसकी, 31st of March 2021 में अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कीपर्स कहाँ से होते हैं, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से थे। ठीक है, इसके बाद में याद रखे रहो कौन कौन सी और कंट्रीज थी। रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज बांग्लादेश, देन इट वॉज रुआंडा, देन इट वॉज इथियोपिया, ओके, फिर नेपाल एंड इंडिया। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों को क्लियर दिखती होंगी। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर आपके बांग्लादेश, रुआंडा, इथियोपिया, नेपाल, इंडिया, यहाँ से होता है। ठीक है, फिर पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, चाइना, ऐसे होता है। 10th आपका घाना होता है, 10th होता है आपका घाना, इसको याद रखे रहना। फिर आपसे चाइना पूछा जाए तो याद रखना चाइना आपका 9th होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं इसके अंदर। एक बार आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी कि यूएन को बहुत सारे पैसे देने हैं इंडिया, क्यों यूएन इंडिया को पैसे देगा, बिकॉज ऑफ ऑल द पीस कीपर्स हु वर डिप्लॉयड इन यूएन मिशन, इसलिए उन्हें पैसे देने थे। सब लोग कहते हैं यूएन हमें क्यों पैसे देगा, इसी से पैसे दे रहा था क्योंकि बहुत सारे पीस कीपर थे जो कि डिप्लॉयड थे हमारे पीस कीपिंग मिशन के। ओके, चलो, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर, आगे बढ़ा जाए हम लोग। उम्मीद है तुम लोगों को कोई दिक्कत दुख परेशानी नहीं होगी। आज मेरे इस टेबल पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है एडजस्टमेंट में। आज यहाँ पर कल से होपफुली हम लोग बोर्ड पर बिल्कुल क्लास को शुरू भी कर देंगे। जब भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ तो सब भाग जाते हैं सेशन से, मुझे नहीं पता चला ऐसा क्यों होता है। सैलरी या सर्विस वर्क, मुझे नहीं पता है सैलरी इनकी कितनी है, मैं पूछ के बताती हूँ मतलब मुझे आइडिया नहीं है इसका, मैं एक बार ही देख लूँगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने नहीं देखी कि इनकी सैलरी कितनी है। ओके, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँगी तब बताऊँगी आपको इसके बारे में कुछ भी। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। एज यू ऑल कैन सी, सॉरी पीपल, सो यहाँ आप लोग देख सकते हो इंडिया ने अचीव किया है माइलस्टोन टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन। ओके, सॉरी अगेन, सो सॉरी अगेन। ओके,
सीरा। देखो अभी अभी क्या होगा, जो इंडिया है इन्होंने अचीव किया है माइलस्टोन 50% रूरल हाउसहोल्ड में एक्सेस टू टैप वाटर कनेक्शन का। ठीक है, अब देखो है क्या, बेसिकली हम लोगों के वहां पर एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया था कि अगर हम लोग अभी से, अगर जो हम लोग अभी से एक्शन लेना नहीं शुरू करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में अपने देश में वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल सकती है। इस वजह से जो है जरूरी है अपने वहां पर क्या करना, इसलिए से इस वजह से अपने वहां पे जरूरी है लोगों को टैप वाटर सही से पहुंचाना, टैप वाटर कनेक्शन देना। ओवरऑल अभी हुआ क्या है, अभी हुआ ये है कि जो हमारी सरकार है वो बहुत ही अग्रेसिवली इस बात पर, सॉरी पीपल, सॉरी अगेन, ओके। हाँ बहुत सारा सॉरी, मैं एडवांस में तुम लोगों को बोल रही हूँ। देखो भाई क्वेश्चन पे सीधे अपन लोग फोकस करते हैं। देखो हो क्या रहा है कि भारत में आने वाले समय में प्रेडिक्ट किया गया था कि वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल सकती है, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने 2019 में एक स्कीम रोल ऑन की थी। जो 2019 में स्कीम आई थी इसका नाम था जल जीवन मिशन। ठीक है, इसके अंदर जो अपना बेसिक एक इनका एम है वो ये होता है कि जितने भी अपने देश में घर हैं रूरल एरियाज में, पहले केवल रूरल के लिए था लेकिन फिर आपका ये अर्बन एरिया में भी रोल आउट कर दिया गया, तो इसके अंदर यही एम था कि जितने भी घर हैं इन सभी को टैप वाटर कनेक्शन दिया जा सके। ओके, तो सभी के सभी घरों को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए इस स्कीम को रोल ऑन किया गया था 2019 में। ओके, और कहा गया था कि 2024 तक हम अपने वहां पे हर एक घर में इसको पहुंचा भी देंगे, हर एक घर पीने योग्य पानी हम पहुंचा सकेंगे। तो इस मिशन के अनुसार जितने भी हमारे देश में देशवासी हैं उन सभी को लगभग 55 लीटर ऑफ वाटर जो है दिया जाएगा। अब कितना पानी किसे देना है कैसे देना है ये वहां की जो भी पानी समिति बनाई जाएगी वो इस पे वर्क करेगी कि कैसे क्या देना है। ठीक है, ये आपका जल जीवन मिशन है, हर घर जल, एक इनका एम है सभी घरों तक हम लोग पहुंचा सके। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि फिलहाल में क्या हुआ है, फिलहाल में जो इनका मिशन है ना कि ओवरऑल जो है कहा गया है 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को इस साल हम लोग कवर कर लेंगे, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड। तो जितने लोगों को प्रोवाइड करना है हमें ओवरऑल इस मिशन के अंदर, उनका 50% 50% हम भी अभी अभी कंप्लीट कर लिया है। देखो इंडिया ने अचीव किया है माइलस्टोन 50% रूरल हाउसहोल्ड में, जिसको आप कह सकते हो 9 करोड़ 50 लाख को जो है टैप वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है। ओवरऑल पॉपुलेशन को देने को कहा गया था, इसमें से 9 करोड़ 50 लाख को दिया जा चुका है इस बार का। अब जैसे हम बात करें कुछ स्टेट्स आपके, तेलंगाना, अंडमान, निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, हरियाणा, इन्होंने ऑलरेडी अपना 100% अचीव भी कर लिया है। ठीक है, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन्होंने 90% से ज्यादा हाउस होल्ड में ऑलरेडी इसको पहुंचा दिया है। ओके, नाउ सी हियर, जल जीवन मिशन, जैसा मैंने आपको बताया जल जीवन मिशन के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज क्या कर रहे हैं, ये लोग वाटर सप्लाई स्कीम में एंगेज हो रहे हैं और हर एक घर तक क्या करेंगे, हर एक घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में कितने घरों तक दिया जा चुका है, तो मई 2022 के अंदर जितने भी घर हैं आपके 108 डिस्ट्रिक्ट, 1222 ब्लॉक, 71667 ग्राम पंचायत एंड 151171 विलेजेस, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर दिया जा चुका है थ्रू टैप्स। ठीक है, बस यही था कि आप लोग टैप वाटर प्रोवाइड किया जा सके, जिसको किया भी जा चुका है। याद रखिएगा इस बार जो है यूनियन बजट के अंदर हर घर जल को कितना एलोकेशन दिया गया था, 60,000 करोड़। ठीक है, 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था हर घर जल को। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एनीवे चलो ध्यान रख के रहना। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें फंडिंग पैटर्न क्या होता है, जैसे कभी भी अगर सरकार फंडिंग करती है किसी स्कीम की तो उसका एक अपना पैटर्न होता है, तो इन नॉर्मल स्टेट इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो है 50:50, यानी कि जितना सरकार करेगी उतना ही राज्य सरकार भी करेगी। फिर जो बाकी आपके हिली एरियाज या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसका पैटर्न है 90:10, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90 करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 10 करेगी, और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे इसका 100% का कवरेज सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस तरीके से इनका फंडिंग पैटर्न है। इतनी बातें आप लोग याद रखे रहिएगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो हमारे वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अभी किसके पास में है? हु इज हैविंग द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एज ऑफ नाउ, बताइएगा सभी लोग। ठीक है, एनीवे अब जरा एक बात और सभी लोग ध्यान दीजिए, जितने भी लोग हैं,
कि अभी कुछ दिन पहले वाटर रिलेटेड अगर हम बातें करें तो एक तो याद रखे रहो कि हमारे वहाँ पे जो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन सभी जगह प्रोवाइड कर दिया गया था, ये पूरी थी। फर्स्ट वॉज पूरी, और 100th कौन सी थी? 100th वॉज चंबा। शिखावत जी, वेरी गुड। तो इतना याद रखे रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ दिन पहले अपने देश में एक वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई थी। वाटर टैक्सी सर्विस, ये हुआ है आपका मुंबई में। और क्या याद रखे रहना है हम लोग को इसके साथ में, कि एक आप लोगों के वहां पे वाटर डिजिटल बैंक भी शुरू किया गया, या कह लो डिजिटल वाटर बैंक। अभी जो आपका डिजिटल वाटर बैंक है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत की गई थी आपकी बेंगलुरु से। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्वेरियम। ठीक है, इसका नाम है एक्वेरियम। फिर क्या याद रखी रहिएगा, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कोची में। वाटर मेट्रो हुआ है कोची के अंदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या याद रखना होगा? लास्ट ईयर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक कैंपेन शुरू किया था, सुजलम। सुजलम कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया था? वेस्ट वाटर मैनेज करने के लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या याद रखना होगा? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया था, कह सकते हो एक पॉलिसी सेंटर इन्होंने शुरू किया था, एक्वा मैप वाटर। एक्वा मैप वाटर, ठीक है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होगी। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगेन देखो, भारत का पहला फोरमोस्ट, ठीक है, इंडियाज फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल MIFF 2022 टू बिगिन इन मुंबई। पहली बार भारत में इस तरीके का फेस्टिवल जो है होगा। क्या नाम है? MIFF। ठीक है, चलो बातें करते हैं थोड़ी। 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स बिगन इन, सॉरी फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट कह रही, ठीक है, ये आपका होगा मुंबई में। ओके सॉरी, ओके सॉरी अगेन। तो ये आप लोगों का हो रहा है कहाँ पर? मुंबई में। सॉरी, मैं फॉर्मोस्ट फॉर्मोस्ट सबसे पहला पहला गई थी, उसमें आप लोग कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। सुजलम, वेस्ट वाटर वो सुजलम। ये देखो, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रीति चोपड़ा को अलग ही परेशानी है, इतनी सर्दी में रहोगी? भैया यहाँ पे मैं सर्दी में नहीं हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, पसीने हो रहे हैं तुम्हें, मतलब तुम लोग का अलग ही हिसाब है। कोई इंसान इतने पसीने में बैठ के तुम लोग को पढ़ा रहा है, कह रही इतनी सर्दी में रहोगी? ओके, ये अलग ही सब आते हैं बिल्कुल। और यहाँ तमिलनाडु में अभी एसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये नॉर्मल वेदर की वजह से मुझे ऐसा हो रखा है मेरे साथ में। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है अभी यहाँ पे, मतलब ठंड क्या हो रही है, दिन भर बारिश बारिश हो रही है साइड में आजकल। चलो ओके, डीपली एक्सप्लेन किया जाए सेशन को। देखो भाई, अभी आप लोगों का जो है ना, 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन का, ये आपका मुंबई में शुरू किया गया है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारी यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। अब ओपनिंग सेरेमनी आपका हफ्ते भर लंबा बायनियल फिल्म फेस्टिवल है जो नेहरू सेंटर पे हो रहा है। MIFF की हम बात करें तो यहाँ पे 808 फिल्म एंट्रीज हो रही हैं 30 कंट्रीज से, काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। 808 फिल्म में से 102 जो है दे विल बी स्क्रीन अंडर कॉम्पिटिशन कैटेगरी। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिए रहेगा, ओवरऑल कितनी कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस की जा रही है और कितने फिल्म्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये जरूर याद रखे रहना। 11 मूवीज फ्रॉम बांग्लादेश विल बी टेलीकास्ट एट द फेस्टिवल, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी होंगी, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना होगा कि आपका जो MIFF है ये कहाँ पर हो रहा है, इतने पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो और बातें आप सभी लोग ध्यान रखे रहना। देखो, द बेस्ट फिल्म ऑफ फेस्टिवल विल रिसीव द गोल्डन कॉन्श अवार्ड अलॉन्ग विद अ कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। तो जो भी बेस्ट फिल्म होगी इसे एक गोल्डन कॉन्श अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए कैश प्राइज 10 लाख का होगा। बाकी जो अवार्ड है ये कैरी कर रहे हैं कैश प्राइज फ्रॉम 5 to 1 लाख अलॉन्ग विद सिल्वर कॉन्श ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट। MIFF में पहला पहला कह रही थी, ठीक है, ध्यान दो, ये ओल्डेस्ट और बिगेस्ट है, ठीक है।
और ये कहाँ का है, साउथ एशिया का है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1990 एंड फोकसेस ऑन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म। मैं क्यों पहला कही थी अभी तुम लोगों को पता चलेगा दो न्यूज़ के बाद, ठीक है। एनीवे तो ये आप लोग MIFF को याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहाँ पर हो रहा है, कौन सा एडिशन है, किसके लिए स्पेसिफिक आता है, इतने पॉइंट तो आप लोग को याद रखने होंगे। अगर आप लोगों को कुछ और बातें याद हो फिल्म से रिलेटेड तो सबसे पहले याद रखे रहो कि जो जम्मू कश्मीर की नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ इन्होंने DIPR और NFDC के साथ एक MOU साइन किया ताकि यहाँ पे एक इस तरीके का फिल्म फेस्टिवल शुरू किया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फेस्टिवल है जो शुरू कर रही है, याद रखिएगा इट इज कौन सी ऐसी स्टेट है जो शुरू कर रही है, ये आपकी जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ याद रखे रहो, कुछ दिन पहले आपको याद होगा ढाका फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ढाका फिल्म फेस्टिवल के अंदर कुजंगल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। किसको? कुजंगल को दिया गया था, ठीक है। फिर सत्यजीत राय जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसमें नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ये एक फिल्म फेस्टिवल होस्ट करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऐसे किया जा रहा है, तो ये सत्यजीत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी पे किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर है आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा? मुंबई के अंदर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अब जो आपका ये नेशनल म्यूजियम शुरू करेगा ना अपने वहाँ फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे अनिक दत्ता की एक मूवी है अपराजितो, ये ओपनिंग होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रख के रहिएगा, ओके। अपराजितो ये आपकी ओपनिंग होगी कहाँ पे? फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ठीक है। फिर देख लो भाई, INS गोमती को डीकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर, ओके। तो ये क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड बाय गीतांजलि मैम। टॉम्ब ऑफ सैंड, देखो वो जो आप लोग बात कर रहे हो टॉम्ब ऑफ सैंड, वो क्या थी? वो एक किताब थी। और उन्हें क्या दिया गया? उन्हें दिया गया है बुकर प्राइज। वो हमने पूरी बात अपने सेशन में कर रखी है। फिलहाल में हम लोग फिल्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो इन दोनों बातों को लेकर के आपस में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये फिल्म की बात हम कर रहे हैं, वो आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? बुक, उनकी लिखी हुई किताब है जिसे इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, ओके। चलो चलो आगे बढ़ा जाए। चलो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, INS गोमती इसको डीकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर। ओवरऑल क्या बात हो रही है, INS गोमती इसको डीकमीशन कर दिया गया। ये जो शिप है इसको डिस्चार्ज किया गया था कमांड ऑफ कैप्टन सुदीप मलिक के अंदर। फिर जो INS गोमती, देखो INS गोमती जो है इसका नाम कैसे आता है? गोमती से, हम सभी को पता है गोमती हमारी हमारे वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इससे इसका नाम आता है। इसको कमीशन कब किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत ली गई थी ये हुई थी 16th of April 1988 में। देखो इसकी शुरुआत हुई थी 16th of April 1988 से, किसके द्वारा? KC पंत के द्वारा, जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, मजगांव डॉक लिमिटेड से की गई थी, ओके। जो थर्ड शिप है गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पीपल, आई वाज नॉट नोइंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन द क्लास एज वेल। अब इस शिप को जो डिस्चार्ज किया गया ये किसके अंडर किया गया? कैप्टन सुदीप मलिक के अंदर। इसका नाम आता है गोमती नदी से। इसकी कमीशनिंग हुई थी अप्रैल 1988, 16th of April, ठीक है। ये थर्ड शिप थी गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अंदर। INS गोमती जो है ये ओल्डेस्ट वॉरियर मानी जाती है वेस्टर्न फ्लीट की जब डीकमीशन की गई है। तो ये जरूर आप लोग याद रखे रहना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीवे INS गोमती ये ट्वाइस अवार्डेड द कोवेटेड यूनियन साइटेशन 2007-08 और 19-20 में भी, क्योंकि इनका जो भी स्टिलर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था मैरीटाइम सिक्योरिटी में उसको देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब देखो INS गोमती की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इसके बिल्डर कौन थे? मजगांव डॉक लिमिटेड थे। लॉन्चिंग की गई थी 19th of March 1984 को, कमीशनिंग की गई थी 16th of April 1988 को, और डीकमीशन किया गया था 28th of May 2022 को, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, इसका नाम कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बातें अगर हम लोग INS रिलेटेड कर ले,
तो कुछ और INS को आप लोग याद रखे रहो, जैसे पहले तो INS विक्रांत को याद रखे रहो। ये जो INS विक्रांत है ये हमारे वहाँ का सबसे पहला बना हुआ, मतलब अपने देश का बना हुआ एयरक्राफ्ट करियर बनाया गया इसे, ठीक है। ये इंडिजिनियसली मेड है एयरक्राफ्ट करियर, ठीक है। फिर क्या याद रखे रहो, कुछ दिन पहले INS विशाखापट्टनम की लॉन्चिंग की गई थी, कहाँ पर? इंडियन नेवी में, ठीक है। तो इसको याद रखे रहना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है INS वल्सुरा। INS वल्सुरा को क्या दिया गया था? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो होता है ये हमारे देश का सबसे कह सकते हो सबसे बेहतरीन अवार्ड माना जाता है मिलिट्री क्षेत्र में। ओके, यस, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। INS वल्सुरा को जरूर याद रखे रहना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ओके, चलो अब अगली खबर पे चलते हैं। शौनक सेन्स डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स विन लॉयल्टी और अवार्ड एट कांस। तो हम सभी को पता है अभी कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इस बार 75th एडिशन है आपका, फ्रांस में हो रहा है। अब इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान, ठीक है, जो जूरी बैठी थी वो डिसाइड कर रही थी कौन सा अवार्ड किसे देना है। जो जूरी बैठी थी ओवरऑल, उसमें आप लोग कह सकते हो कि जूरी के जो आपके चीफ थे, ये पूछा जा सकता है, जूरी के हेड थे आपके विंसेंट लैंडन, ठीक है। इनको ज़रूर याद रख रहे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? विंसेंट लैंडन। ओके, ये जूरी के हेड थे और ये कहाँ के थे ये बताइएगा? फ्रांस के। अच्छा, ये जो जूरी बैठी थी इस बार अवार्ड डिसाइड करने के लिए, इसमें दीपिका पादुकोण जी भी थी, इसमें दीपिका पादुकोण जी भी थी। ऐसे और भी इंडियन मेंबर्स कभी कभी रहे, जैसे कि विद्या बालन 2013 में थी तो उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था उनकी ड्रेसेस के लिए। इस बार दीपिका पादुकोण जी है यहाँ पे, तो उन्हें उनकी स्पीचेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप क्या बोलती हो, सेंसलेस, मतलब ये जो बोलती हैं ओवरऑल अपनी बातों को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, अपनी ही बातों को करती रहती है, तो उसके लिए इन्हें बहुत बारी क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि आप बोलना क्या चाहते हो, इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है। ओके, एनी वे, तो अभी हम लोग को ये सब बात नहीं याद रखना है। अब थोड़ी सी बातें आप लोग याद रखी रहेगा कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसका 75th एडिशन हुआ था, ये आपका कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है आप लोगों का फ्रांस के अंदर। अब यहाँ पे माशीज जो फिल्म है इसमें कहा गया था कि इंडिया को ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर बनाया जाएगा। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि कंट्री ऑफ ऑनर इसके अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपसे माशीज जो फिल्म के बारे में बताया, जो हम लोग बात कर रहे हैं माशीज जो फिल्म, माशीज जो फिल्म एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इनका बिजनेस पार्टनर होता है कांस का, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग एक नया रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पर इंडियन सिनेमा लेजेंड सत्यजीत राय जी के ऊपर, ठीक है, और इनकी क्लासिक प्रतिद्वंदी इसके अंदर प्रेजेंट भी की जाएगी। किसके अंदर? जो इंडियन सिनेमा का रिस्टोरेशन किया जाएगा, माशीज टू फिल्म ने कहा है, उसके अंदर उन्होंने सत्यजीत राय जी की प्रतिद्वंदी को कहा है कि इसे स्क्रीनिंग करेंगे। खैर, ये बातें आप लोगों को उतनी नहीं याद रखनी है, बाकी जो करनी है उसको अब अपन लोग कर लेते हैं। फिल्म मेकर शौनक सेन है, ये हमारे वहाँ के, इनकी डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ, इसकी ऑनरिंग की गई है 2022 की लॉयल डी ऑल अवार्ड 75th कांस फिल्म फेस्टिवल में। ये 90 मिनट लंबी जो है मूवी है, इसको चूज किया गया था विनर एज बाय द जूरी, ठीक है। ये जो फिल्म है इसे ग्रैंड जूरी प्राइज भी दिया गया था संडेज फिल्म फेस्टिवल, इसके पहले दिया गया था ये। ओके, अवार्ड की हम बात कर ले तो जो लॉयल डी और डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है इसे गोल्डन आई अवार्ड भी कहते हैं। इसको क्रिएट किया गया था 2015 में फ्रेंच स्पीकिंग ऑथर सोसाइटी लास्ट केम इन कोलैबोरेशन विद कांस फिल्म फेस्टिवल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो अवार्ड है इंक्लूड करता है कैश प्राइज ऑफ 5000 यूरोस। 2021 में फिल्म मेकर पायल कपाड़िया ने ये अवार्ड जीती थी डॉक्यूमेंट्री के लिए अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग किसने जो है डायरेक्ट करी थी, किसकी डॉक्यूमेंट्री थी, या शौनक सेन जी की कौन सी डॉक्यूमेंट्री है, लॉयल डी और डॉक्यूमेंट्री इसका क्या नाम होता है, इसको कब से शुरू किया गया है, कितना अवार्ड दिया जाता है, क्या कैश प्राइज होता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो बी रेडी टू फेस ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, कांस में जो बाकी के अवार्ड्स दिए गए हैं यानी बेस्ट फिल्म या वगैरह वगैरह, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। मतलब बता के दूंगी, इस PDF में एक अलग से लगा करके दे दूंगी। यहाँ पे है भी कुछ और अवार्ड होंगे जो मैं आपको PDF में लगा कर दे दूंगी। एक कंपैरिजन भी अपन लोग कर लेंगे कांस का और ऑस्कर्स का, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो भाई। FIEU ने लॉन्च किया है B2B डिजिटल मार्केट प्लेस, किसके लिए? एक्सपोर्टर्स, MSMEs और फार्मर्स के लिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस इंडियन एक्सपोर्टर्स और फॉरेन बायर्स के लिए।
जो इंडियन बिजनेस पोर्टल है ये B2B की तरह एक्ट करेगा, द बिजनेस टू बिजनेस, और ये हेल्प करेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्टर्स, आर्टिसन फार्मर कि वो एक नया मार्केट खोज सके अपने प्रोडक्ट के लिए ताकि वहाँ पे सेल्स हो सके। देखो बहुत दिनों से ऐसी कोशिश क्या की जा रही है, बहुत इम्प्लीमेंट्स भी किए गए हैं प्रोजेक्ट को, जिससे जो MSMEs हो गई या आर्टिसंस हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, इनके प्रोडक्ट को हम लोग एक बेहतर प्लेस दे सके। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले Etsy भी हमारे देश में आके साइनिंग किया है कि जो हमारे वहाँ पे हैंड वीवर्स वगैरह हैं उनके प्रोडक्ट को लाया जा सके Etsy के प्लेटफॉर्म पर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आया ताकि एक स्टेशन के आसपास में जो भी लोकल बिजनेस है उनके उनके जो भी प्रोडक्ट है उसको उस स्टेशन पे प्रमोट किया जा सके। फिर आप लोगों को याद होगा एविएशन सेक्टर लेकर के आई अपने नए नए स्कीम्स, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो लाए जा रहे हैं बेसिकली इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। फिलहाल में जो FIEU है इन्होंने भी एक सिमिलर काम का एक सिमिलर तरीके का काम किया है। क्या किया है इन्होंने भी एक मार्केट प्लेस शुरू कर दिया है। अब इस मार्केट प्लेस पे क्या होगा, जो भी है जैसे MSME हो गए या एक्सपोर्टर्स हो गए या आर्टिसन फार्मर हो गए, ये क्या करेंगे, ये नया मार्केट देखेंगे कि कहाँ पे हमारे सेल जो भी प्रोडक्ट है उसकी हम लोग कहाँ पर सेल कर सकते हैं। कह सकते हो आप लोग एक तरीके से बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म देगा SMEs को और स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बातें अगर हम लोग करें तो देखो कुछ फैक्ट्स, जो पोर्टल है ये डिजिटाइज करेगा इंडियन एक्सपोर्टर को और हेल्प करेगा उन्हें ताकि वो ऑनलाइन डिस्कवरेबल हो सके, ठीक है। फिलहाल की हम बात करें तो 2000 से ज़्यादा स्मॉल बिजनेस हैं जो कि ऑलरेडी इसको ज्वाइन किए हुए हैं। यहाँ पे लिस्टिंग हो रखी है 40,000 प्रोडक्ट और सर्विसेज की। FIU ये प्रमोट करेगा मार्केट प्लेस को पूरे विश्व भर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो इतने बड़े लेवल पे अगर इन्हें एक्सपोजर दिया जा रहा है तो ये आगे आने वाले समय में अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खैर FIU की हम बात करें तो देख सकते हो आप लोग, फाउंडेड इन 1965, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, ए शक्तिवेल प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर जनरल इज मिस्टर ए सहाय, ठीक है, अजय सहाय। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। खैर चलो अब हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं रिलेटेड टू MSMEs एंड एवरीथिंग जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में सब था। एक तो आप लोग ध्यान रखे रहो सभी लोग, कुछ दिन पहले जब हमारा बजट प्रेजेंट किया गया तो उसमें कहा गया था कि जो असीम पोर्टल है MSME का, इसके साथ में जो NCS है और जो ईश्रम है, इन सभी को एक साथ इस बार मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये MSMEs के फायदे के लिए किया गया था। फिर क्या याद रखना है कि रैम्प स्कीम को 6,000 करोड़ ऑफर किया गया है। रैम्प स्कीम उन MSMEs के लिए लाया गया है जो कि कोविड की वजह से सही वर्क नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर क्या याद रखिएगा आप लोग कि अभी एक MSME टेक सेंटर शुरू किया गया था, एक हुआ था आपका पुडुचेरी में 122 करोड़ की लागत के साथ और एक हुआ था आपका सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ की लागत के साथ। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखे रहना। फिर और क्या याद रखिएगा, कुछ दिन पहले एक समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाया गया था, समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाया गया था। ये लाया गया था ताकि वुमेन के लिए और ज़्यादा प्रमोट कर सके उनका, और ज़्यादा और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो प्रमोशन हो सके, उनको बढ़िया एक एक्सपोजर मिल सके, इसके लिए समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप लाया गया था। एक और बात याद रखे रहो बच्चों, SIDBI ने एक MOU साइन किया था मेघालय के साथ ताकि MSME इकोसिस्टम अपने वहाँ अच्छा कर सके। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वॉट, रिलेटेड टू MSMEs, इनको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है जो इनॉग्रेट किया गया है कठुआ J&K में। ओके, देखो है क्या, लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखते हो, देखो लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं, मुझे यार ये लगता है ना कि जितनी बार, अब जैसे अगर आप लोग आते हो डेली बेसिस पे क्लास करते हो, कितनी चीज़ें हम लोग बार बार ही डिस्कस करते हैं जिससे आपको वो चीज़ याद रहे। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा जम्मू कश्मीर में कुछ ओपन हुआ है, पहले अपन लोग इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर को डिस्कस करेंगे, जो हम लोग डेली डेली जो है इसको डिस्कस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि डेली बेसिस पे इन चीज़ों को देखो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई कई बार जब सोती हूँ तो मुझे सपने भी GA का आता है, ठीक है, ऐसा हुआ है मेरे साथ में, मैं मतलब अपने सपने में एक्चुअली GA पढ़ा चुकी हूँ 2-3 बार,
वही है ना, बिकॉज हम लोग यार पहले क्लासेस लेते थे तो 8-8, 9-9 आवर्स लेते थे, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं 3-4 घंटे पढ़ा रहे हैं। अब आज ही सुबह की क्लास में मैंने ये बजट वाली बात बताई, मुझे वो चीज़ याद है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। समर्स में 3-4 दिन पहले पढ़ा रही थी, मुझे याद था। बार बार वो आप लोग करते चलोगे तो है आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को एक बार, दो बार, 3 बार ऐसे पढ़ते चलो, याद रहेगा, ठीक है। चलो खैर शुरू करते हैं, अपनी दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड एट कठुआ इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है, जैसे हम लोग एक चीज सुनते हैं फूड पार्क, एक हम लोग सुनते हैं सॉफ्टवेयर पार्क, वैसे ये बायोटेक पार्क है, ठीक है। फूड पार्क में क्या होता है, मतलब ऐसे आप लोग कह सकते हो एक बड़ी सी जगह दे दो जहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज आकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं जो फूड कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रही हैं। सॉफ्टवेयर पार्क, तो ऐसी जगह पे मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर का अपना सेटअप कर रही है उस कंपनीज का, ऐसे बायोटेक पार्क होगा जो कि बायोटेक रिलेटेड काम अपने करते रहेंगे, ओके। लेकिन अब ध्यान में रखने वाली बात यह कि ये जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर। हम सभी को पता है यार जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं। जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं है कि अभी बहुत डेवलप्ड है, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स भी आई थी, जो भी रीज़न था उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उसको पसंद किया गया, जो भी था, बट हम लोग देख चुके हैं। एक और मूवी आई थी आप लोगों की शिकारा करके, हम लोग ये देख चुके हैं कि क्या हालात है, कितना ज़्यादा टेररिज्म का खौफ है, सब कुछ कितना है। लेकिन धीमे धीमे सरकार ने अभी रिवोक कर दिया था आपके आर्टिकल, अब धीमे धीमे कोशिश की जा रही है क्या किया जाएगा, धीमे धीमे इसको अच्छे लेवल पे बनाया जाएगा। ये भी कहा गया यहाँ पे शॉपिंग मॉल, वैसे अगर आप लोग देखो यूएई कहा कि हम लोग आके यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे। पहला जो हमारे देश का जियो थर्मल प्रोजेक्ट है वो भी लद्दाख में आ रहा है। अभी यहाँ की सभ्यता को बचाने के लिए गया ससोमा कम्युनिटी विलेज शुरू किया गया। ओवरऑल इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, पकड़ कर रखा जा रहा है ताकि ये बेहतर चल सके, जम्मू कश्मीर को एक अच्छा रीजन बनाया जा सके। बहुत सारी चीज़ें यहाँ की गई हैं। फिलहाल में क्या किया जा रहा है, फिलहाल में जो है ये आप लोगों का बायोटेक पार्क बनाया जा रहा है, यानी कह सकते हो एक ऐसा लैंड जहाँ पे ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज आती है रिलेटेड टू बायोटेक, आपका जो है कोई भी काम करता है तो उसमें उसे क्या दिया जाएगा, कुछ सब्सिडी दी जाएगी, कुछ लिबर्टी दी जाएगी, टैक्स कम किए जाएंगे, कह सकते हो आप लोग गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड करेगी ताकि इंडस्ट्रीज आकर के अट्रैक्ट होकर यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें और ये जगह उस पर्टिकुलर सेक्टर में बेहतर बन सके, ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कंस्ट्रक्टेड एट घाटी नियर कठुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म करेगी यहाँ की इकोनॉमी को, और जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो क्लाइमेट चेंज वगैरह पे कुछ वर्क करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छा मिल सकेगी, अच्छी जगह मिल सकेगी करने को। ये स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर SMEs को वो सभी टूल्स देगी जो कि प्रोडक्शन में उनके काम आएगा, मैनेजेबल होगा, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा ओवरऑल ये सब, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये नहीं बहुत मदद करने वाली है। अब देखो इसकी मदद से 3500 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, टू हार्नेस मार्केट एडवांटेजेस इन द मोस्ट इफेक्टिव वे एंड हेल्प फार्मर टू जनरेट मोर इनकम, ये किया जाएगा। फिर क्या याद रखिएगा, एक नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है जिससे एनेबल किया जाएगा जम्मू कश्मीर को कि ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पा सके, लगभग 38,800 करोड़ का, जिसमें 338 इंडस्ट्रियल यूनिट एसोसिएटेड है केवल और केवल बायोटेक सेक्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अनदर बायोटेक पार्क, और कौन सा बायोटेक पार्क है, हंडवारा कुपवारा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें 84.66 करोड़ का जो है कॉस्ट भी आ रहा है। देन बायोटेक्नोलॉजी पार्क कठुआ, इनका पोटेंशियल है कि ये प्रोड्यूस करेंगे 25 स्टार्टअप्स इन अ ईयर। खुद सोचो ना कि यहाँ पे बायोटेक पार्क बन जाएगा, 25 स्टार्टअप्स आकर के काम कर रहे हैं, कितने लोगों को इससे जो है काम मिलेगा, कितनी अच्छी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगा अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो, ठीक है। जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो काफ़ी सही तरीके से अभी इनका वर्किंग चल रहा है, अगर अच्छा हो गया तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा इस पूरी पूरी एरिया के लिए, ठीक है। तो ये कहा हो रहा है बच्चों, ये और आपका जम्मू कश्मीर में, इसको याद रखे रहना। कुछ बातें अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें तो जम्मू कश्मीर का अभी जो मेन एक्ट है ये कौन सा है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या की गई है, डिलिमिटेशन कमीशन बैठी थी, उनका रिपोर्ट आया, उसके हिसाब से सारा काम किया गया। तो जो डिलिमिटेशन की अपनी रिपोर्ट आई थी उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चेंजेस किए गए कि जो जम्मू के अंदर सीट्स हैं, जम्मू के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी ये 43 कर दी गई हैं। कितनी बढ़ाई गई है, 6 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में जो सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी कर दी गई, 47,
और कितना बढ़ा दिया गया था इसको, एक बढ़ाया गया था, ओवरऑल 90 रहेगा, ठीक है। जम्मू में कितनी है, 43 है, कितनी बढ़ाई गई है, 6। कश्मीर में कितनी बढ़ाई गई है, 47 है, लेकिन एक ही बढ़ाया गया है, 1 इंक्रीज्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर याद रखिएगा आप लोग कि लेजिस्लेटिव, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है 90 हो गया, लोकसभा अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा में 5 पार्लियामेंट्री रीजन हैं जिसको बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को सिंगल ही हम लोग करेंगे ट्रीट, यानी कि अगर जम्मू की कुछ ऐसी बाउंड्री है तो हम लोग उसको कश्मीर के साथ शेयर कर सकते हैं, कश्मीर की कोई ऐसी बाउंड्री है तो हम उसे जम्मू के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अनंतनाग, कौन सी, अनंतनाग और जम्मू की जो बाउंड्री है उसको अब रीड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या याद रखिएगा, पीर पांजल रेंज तुम लोग सुनते होगे जनरली न्यूज में, ठीक है। तो जो पीर पांजल है वहां पे कंप्राइज करा था पूंछ और रजौरी, ये पहले जम्मू का हुआ करता था, अब इसको अनंतनाग कश्मीर में ऐड कर दिया गया है। ये बातें याद रखना, ये एग्जाम में आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली RRBI, SBI, PO में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भी, ठीक है। खैर, एक और बात याद रखिएगा कि श्रीनगर का एक रीजन था शिया डोमिनेटेड, अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया है बारामुल्ला में, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन में किया गया है। कब तक ये आपका चलेगा, 2026, क्योंकि 2026 के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन आएगी जो फर्दर बताएगी, ठीक है। डिलिमिटेशन में क्या किया जाता है, जो भी बाउंड्रीज होती है ना उसको रीड्रॉ किया जाता है, तो इसके पहले किया गया था लेकिन जम्मू कश्मीर का रंजना देसाई जी के अंडर अभी फिर से किया गया, उनकी रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से सारे चेंजेस किए गए, इन चेंजेस को आप लोग याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो खैर, एक और बात याद रखे रहो, जम्मू कश्मीर हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बना था जो कि NSWS के साथ में इंटीग्रेट हुआ था, यहाँ पे कांचोत हरेला फेस्टिवल्स हुए हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जम्मू के अंदर लेवेंडर फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है ताकि लेवेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और ये याद रखे रहो आप लोग, विलेज पल्ली, यहाँ का एक विलेज पल्ली है जो कि पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत माना गया है, क्या नाम है, पल्ली, ये पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है पूरे पूरे हमारे देश का, पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया है। ये सारी की सारी बातें आप लोग क्या याद रखेंगे, अपने अपने दिमाग में याद रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। फिर देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग अब बेनिफिट्स रिलीज करने वाले हैं PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंदर 30 मई को, यानी कि आज ही, ठीक है। चलो यार, तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, मतलब कोई बंदी आ रही है, एक बंदी तुम सबको डिस्टर्ब करके रखी है, खुद सोचो। द ओनली थिंग दे वॉन्ट इज अटेंशन, दैट इज वॉट यू पीपल आर गिविंग हिम और हर, और डोंट नो, ठीक है। तो वो तुम लोग उसे दे रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं मतलब मुझे मतलब ही नहीं है कोई क्या कमेंट कर रहा है, मैं कमेंट देख रही हूँ लेकिन मैं उसके कमेंट को इग्नोर कर रही हूँ। तुम सबके सब इतने इफेक्ट हो, अब सोचो तुम लोगों का डाइवर्जन कितना आसान है, एक लड़की के कमेंट से तुम लोग इतने इफेक्ट हो रहे हो, तुम लोग उसको नहीं हटा सकते हो तो बाकी जगह पे और कितने डाइवर्ट हो सकते हो। ओनली थिंग यू पीपल हैव टू डू इज इग्नोर, बिल्कुल छोड़ दो, देखो ही मत वो बंदी क्या कह रही है, फिर वो जितना बेकार बोल सकते हैं वो उतना कुछ बेकार बोलेगी, बोलेगा या जो भी है, ठीक है। उसके बाद खुद ही चले जाते हैं ये लोग, तो लेट हर स्पीक, ओके। नाउ हर और हिम, वॉट एवर इट इज, लेट हर यूज, मैंने बोला तो वो बहुत ज्यादा बुरे शब्द भी आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों ने देखा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है बेनिफिट PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंदर 30th of May 2022 को। देखो, प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर करेंगे स्कॉलरशिप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, इसके अंदर पासबुक, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन और हेल्थ अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये हैंड ओवर किया जाएगा उन चिल्ड्रन को इस प्रोग्राम के दौरान। फिर PM केयर्स की हम बात करें, देखो PM केयर्स, पहले तो PM केयर्स आया था तो कहा गया था कि कोविड के टाइम में जो भी ग्रसित था या जिसकी भी मदद करनी थी या सरकार की मदद करनी थी तो PM केयर्स जो है लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हम लोग अपने अपने एंड से डोनेशन कर सकते थे, तो हम लोग डोनेट कर रहे थे। फिर लास्ट ईयर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन भी लॉन्च किया गया, बिकॉज लास्ट ईयर अगर हम लोग देखे हो तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके गार्जियन या जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई हो, ठीक है, तो उनका कैसे अब काम चलेगा, उनके लिए क्या किया जाए, ये PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन शुरू कर दिया गया उनके लिए, ओके।
अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो शुरू किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो हम लोग रिलीज करेंगे 30 मई को। क्या बेनिफिट दिया गया है? सबसे पहले तो स्कॉलरशिप दी गई है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, फिर एक पासबुक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का, और हेल्थ कार्ड आयुष्मान भारत के अंदर इन्हें दिया गया है। पासबुक अगर आप लोग देखते हो तो क्या होगा, जो भी इन्हें बेनिफिट्स मिलने स्टाइपेंड्स वगैरह वो उन्हें मिल सकेगा। हेल्थ कार्ड मिल रहा है आयुष्मान भारत के अंदर, जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह आते होंगे इसके अंदर वहाँ पे उनका फ्री चेकअप वगैरह हो सकता है, ये इनके फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखे रहना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे, सो अगर हम बात कर ले पीएम केयर्स की, तो देखो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 29 मई 2021 को, एक साल हुआ है अभी इसका कल। ये सपोर्ट करेगा उन चिल्ड्रन को जो कि अपने दोनों पेरेंट्स को या लीगल गार्जियन को या अडॉप्टिव पेरेंट्स को खो दिए होंगे पैंडेमिक के दौरान। कब से कब तक के लिए? 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक। इसके बीच में जिसके भी माता पिता या उनके गार्जियन की या उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स की मृत्यु हुई है, ये उनके लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर और प्रोटेक्शन मिल सके बच्चों को, उन्हें जो है एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके, साथ ही साथ में इन्हें 10 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे जब ये 23 वर्ष के हो जाएंगे, ताकि इनकी वेलबींग हो सके, और इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, एक पोर्टल भी है pmcaresforchildren.in, इसको लॉन्च किया गया ताकि उन बच्चों का नाम रजिस्टर किया जा सके जो इसके अंडर आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों के आसपास में कोई हो, तो मतलब ऐसा आप लोग जानते हो उसको, अब तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं हम लोग उनको रजिस्टर, यहाँ पे बहुत लोगों ने ऐसे देख देख कर किया है। खैर, ये जो पोर्टल है ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो कि फैसिलिटेट करता है अप्रूवल प्रोसेस, फिर जो है बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ से हियर एमसीक्यूज की हम बातें करें, देखो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किया है जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का? श्रीलंका, यूक्रेन, रशिया या कोई भी नहीं। अगला, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई और 30 मई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिलो हैज अचीव्ड 100% हाउसहोल्ड वाटर कनेक्शन? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली। इंडिया फोमोस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल MIFF इज टू बिगेन इन विच सिटी? पुणे, मुंबई, लखनऊ और पटना। किसको डिकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में? नन, INS अरिहंत, INS विक्रांत और INS गोमती। ऑल दैट ब्रीथ रिसेंटली वन लॉयल्टी और अवार्ड एट कांस, हु हैज रिटन दिस डॉक्यूमेंट्री? रोशन ओसलन, शौनक सेन, पायल कपाड़िया, क्लेयर डेनिस। फियो लॉन्चेस B2B डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर विच पर्पस? नन, पेंशन, स्टूडेंट्स और फार्मर। किसके लिए किया गया, फॉर होम होना चाहिए, विच पर्पस नहीं। Which bank has got approval to open a branch at GIFT City? Options: Central Bank of India, US Bank Corp, MUFG or none. North India's first industrial biotech park inaugurated at Kathua in Uttar Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab or Gujarat. ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन है, ये आप लोग नीचे कॉमेंट में लिखोगे। इसके पहले जो हमने किए थे, चलो उसे एक बार हम देख ले। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्होंने अलाउ किया है हाउडन ग्रुप को कि वो अपनी शेयर होल्डिंग हाउडन इंडिया में 100% कर दे? तो ये किसने किया था? IRDAI ने किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। RBI ने रिड्यूस किया है नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट का 25 करोड़ तक। कितनी राशि से ये हुआ है? 100 करोड़ से कम करके कितना कर दिया गया है? 25 करोड़। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट टाटा टेक के साथ में पार्टनरशिप करके ट्रांसफॉर्म करेगी पॉलिटेक्निक ITIs को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में? तो ये करने वाली आपकी असम है। ठीक है, इसको ऐसे वन वर्ड में याद रखे रहना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब लॉन्च किया गया था? इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2018 में। एकमात्र हमारे वहाँ पर ये ऐसा बैंक है जो कि पेमेंट बैंक है और गवर्नमेंटल है। ओके, इनमें से किसने कंस्ट्रक्ट किया था इंडियन नेवी सर्वे वेसल INS निर्देशक? तो INS निर्देशक जो है आपकी एक सर्वे वेसल है, कंस्ट्रक्टर आपका GRSE है। फिर राजनाथ सिंह जी ने अप्रूवल दिया था एक नया डिफेंस स्टेट सर्कल शुरू करने को, कहां पर? उत्तराखंड में ये किया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से इनमें से कौन सी मोस्ट प्रेफर्ड नोट है 100 की, ठीक है। अच्छा, ये न्यूज़ आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, कर लेंगे हम लोग इसे कल, ठीक है। कल हम लोगों को दो न्यूज़ डिस्कस करनी रहेगी, एक ये वाली न्यूज़ करनी होगी और एक करनी होगी जो आप लोग की टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है। कल के सेशन में ये दो न्यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो खैर, एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। इफ यू पीपल लाइक इट प्लीज डू गिव इट अ लाइक, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और याद रखे रहना आप सभी लोग कि अगर आप लोगों को कोई सा भी कोर्स चाहिए सो रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA, ठीक है। चलो, विल मीट यू पीपल अगेन, आई होप यू पीपल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, ऑल्दो इट वॉज अ बिट डिस्टरप्टिंग, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरप्शन हो रहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कल से अपन लोग शुरू करते हैं बोर्ड पे सही से, ठीक है। थैंक यू अगेन, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर द कंसर्न एवरीवन, लव यू पीपल, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय।